व्लॉग वीडियो। स्वागत है आप लोगों का अनीता जी की लाडो बिटिया में। तो आप सब लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। मैं तो ठीक ठाक हो गई हूँ, पहले से थोड़ी सी बेटर हूँ। अब सारे काम धंधों पे लग गई हूँ फिर से। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का है पहला दिन, फर्स्ट डे नवरात्रि का। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि, और आप लोग भी मुझे विश कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, कमेंट्स करिए खूब सारा, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए। जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था एक अभी डाल चुकी हूँ, प्रेम मंदिर की थीम पे दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा था, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। इसीलिए आज मैं फिर से जा रही हूँ वहाँ का अपडेट देने, पूरी आज तैयारियां रही, सब कुछ हो गई। आज वहाँ पे उद्घाटन होने वाला होगा और अभी 6:30 बज रहा है, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है। तो चलिए अभी फटाक से चलते हैं और आप लोगों को वहाँ चल के दिखाते हैं, और मैं जाऊंगी मम्मी के साथ। तो फिलहाल ये मम्मी यहाँ पे है, रेडी हो गई है। तो हेलो बोलो, हेलो, हैप्पी नवरात्रि बोल दो। तो मम्मी ने भी आप लोगों को विश कर दिया, तो चलिए फटाक से चलते हैं। देखिए, ये है यहाँ का स्टार्टिंग गेट, यहाँ इंजीनियरिंग चल रहा है, वहाँ पे वहाँ से सीधे आना है। ये देखिए, ये रोड मिलेगी यहाँ पे आप लोगों को, जस्ट सामने ये बोर्ड दिख जाएगा जो एंट्री गेट है। अभी इसके अंदर चलना है, थोड़ा सा आगे, अभी आगे आप लोगों को बताते। मैं उस स्कूटी से हूँ, आप यहाँ पे आएंगे, अभी डायरेक्शन सब कुछ है, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कैसे कैसे जाना है। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है, अभी अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का, पहले मैंने जब आपको अपडेट दिया था तो ये यहाँ पे बांस बल्लियाँ लगी थी, तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रेम मंदिर का गेट यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए अंदर से भी अभी आप लोगों को लुक देखते हैं, और क्राउड देख लीजिए, क्राउड तो इतना ज्यादा है यहाँ पे। सब लोग भैया यहाँ आए हुए हैं, सेल्फी वेल्फी भी क्लिक करा रहे हैं, और फर्स्ट डे ही यहाँ का क्राउड बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप लोगों को जब अपडेट दिया था तब तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बांस बल्लियाँ सब कुछ लगी हुई थी, और अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये थर्माकोल का बना हुआ आप लोगों को दिख रहा है कहीं किसी एंगल से। देख लीजिए कितना सुंदर बना हुआ है, प्रेम मंदिर अब पूरा कम्प्लीट हो गया है। तो यहाँ की देखिए, ये है यहाँ की मस्जिद डेकोरेशन जो स्टार्टिंग में आपको देखने मिल जाएगी, उसके बाद अपना ये प्रेम मंदिर देखने मिल जाएगा, जो तो अद्भुत सुंदर है ही, उसके बारे में तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, स्पीचलेस हूँ बिल्कुल। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ का जो थीम है तो बहुत बढ़िया है ही, हमने आप लोगों को पहले ही अपडेट दिया था। मम्मी को भी आकर यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, इनसे भी मिल लीजिए। और आप लोग प्रेम मंदिर तो देख दिखा दी, इन्होंने दिखाई दिया, तो अंदर का जो दृश्य है ना वो उद्घाटन के बाद आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो में, और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा थोड़ी देर के बाद आपको। और मैम का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मेंशन कर दूंगी। वैसे नाम है चैनल का, एक बार आप जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारी मम्मी को तो आप लोग जानते ही है, वेयर भी पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे अभी सब लोग पब्लिक बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे खाली नहीं है क्योंकि पब्लिक इतनी ज्यादा है, आप लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुर्सियाँ खाली होना बहुत मुश्किल की बात है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, चीफ गेस्ट आने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग चीफ गेस्ट आ चुके हैं, कहाँ पता नहीं इतनी ज्यादा भीड़ है, कृपया शांति भैया करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, रहे हैं आप लोग।
देख रहे हैं इतना ज्यादा तो भीड़ है यहाँ पे, तो समझ में भी नहीं आता कभी कभी कि हम लोग ब्लॉग बनाए आप लोगों के लिए कैसे है। तो पहले दिन ही बहुत ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, क्राउड तो इतना ज्यादा, तो मुझे डर ही लग रहा है मेरी मम्मी अम्मी गिर जाए तो और आफत हो जाए मेरा ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी मम्मी को कुछ हो जाए तो हम लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत की बात है। तो चलिए अभी अंदर हम एंट्री कर लिए हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये तो यहाँ पे ना, ये यहाँ पे दुर्गा माता जी हैं जो 19 तारीख को ही देखने मिलेंगी और यहाँ पे पूरी झांकियाँ लगी हुई हैं। तो देखिए ये सब सजावट कितनी बढ़िया सी हो गई है यहाँ। ये देखिए ये यहाँ पे हाँ बताओ यार हम लोग, तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ सजाई हुई हैं चारों तरफ, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बढ़ते रहिए। अद्भुत दृश्य आप लोगों को देखने मिल रहे हैं, ये देख लीजिए। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं पास से आप लोगों को पूरा अच्छा सा लुक दिखाने। देखिए यहाँ की आप लोग नक्काशी देख सकते हैं कितनी सुंदर है चारों तरफ, ठीक। और ये पिलर देखिए, ये पिलर देखिए, और कोई कहेगा ये थर्माकोल पे बना हुआ है, कोई कह ही नहीं सकता कि ये थर्माकोल पे बना है। लाइटिंग वाइटिंग सुंदर है इतनी। और अंदर ये बीच का लुक देख लीजिए, मस्त झूमर भी लगा हुआ है चारों तरफ की नक्काशी देख लीजिए। हमने प्रेम मंदिर की रिप्लिका के रूप में विश्व का सबसे बड़ा पंडाल को उकेरा है और अभी उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ है अपने मुख्य अतिथि के द्वारा। ये हम सब लोगों की उपलब्धि है, हम सब लोगों की उपलब्धि है कि माननीय उपमुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमको मिला। ये छोटी सी अपने उत्सव की ऐसा व्यवस्था है। इस उद्घाटन होगा उस दिन से मूर्ति दर्शन होंगे और 23 तक चलेगी, 24 को विसर्जन होगा। तो आप लोग पूरे नवरात्र में पूजा का आनंद लें, मेले का आनंद लें और भरपूर सहयोग करें। बाकी सबको आने वाले दुर्गा पूजा, दशहरा, अग्नि दिवाली सबके लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। श्रीमान विदेश पाठक जी जो कि इस प्रदेश के विकास पुरुष हैं, लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, मैं आपको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस अवसर पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार करतल ध्वनि से आपका सम्मान स्वागत करें। फ्रेंड्स यहाँ हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, आप लोग सामने देख रहे हैं, अब ये स्पीच देंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत सुन लीजिए। उत्सव संस्था द्वारा जानकीपुरम में भव्य एवं अद्भुत परिकल्पना को धरातल पर उतारते हुए प्रेम मंदिर के प्रतिरूप को दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में निर्मित इस भव्य समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, आदरणीय बिंदु बोरा जी, आदरणीय डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। विगत कई वर्षों से जानकीपुरम में बंदोपाध्याय जी उनकी पूरी टीम ने जिस ढंग से पूजा के पंडाल को निर्मित करके पूरी दुनिया को संदेश दिया है, मैं पूरी टीम का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है लेकिन अद्भुत छटा जानकीपुरम लखनऊ में निखरी है जहां पर प्रत्येक नगरवासी आने को आतुर है। हजारों फोन कॉल्स मेरे पास आए जब उनको पता चला कि हम लोग आज इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो बंदोपाध्याय जी ने उनकी टीम ने जो इस परिकल्पना को धरातल पर उतारा है, हम कह सकते हैं कि मेहनत माँ दुर्गे आपको ऐसा आशीर्वाद देने वाली है, लखनऊ को ऐसा आशीर्वाद देने वाली है
कि आसपास के घरों में सुख संपत्ति वैभव, संकट का नाश, दुखों का अंत और सबके कष्ट कटने वाले हैं, ऐसा मैं माँ दुर्गा के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए कह सकता हूं। माँ दुर्गा पूरी दुनिया को तारने वाली है, देवताओं पर भी जब संकट आता है माँ दुर्गा उनका संकटों का हरण करती है। और ऐसी माँ दुर्गा के त्योहार के शुभ अवसर पर माना जाता है संकटों का नाश होगा, दुखों का नाश होगा। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आसपास के नागरिकों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि एक सप्ताह तक आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि माँ दुर्गा के भजन, माँ दुर्गा के आशीर्वाद, माँ दुर्गा के श्लोक आपके कानों में स्वतः पड़ेंगे। और ये आशीर्वाद माँ दुर्गा ने स्वयं चल करके आपके मोहल्ले में पधार करके आप सबको देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और दुर्गा पूजा कमेटी को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आपके साथ है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हूँ, कभी भी कोई बात हो मैं आपके साथ भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। वास्तव में अद्भुत पंडाल आपने बनाया है, जिस ढंग से दुनिया के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आया है, चौथी बार नाम है, सर्टिफिकेट आपने मेरे हाथों से स्वीकार किया है, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले जो संस्था है उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने लखनऊ के हमारे पंडाल को संज्ञान लेकर के दुनिया के सबसे बड़े पंडालों में से एक सर्टिफिकेट देकर के अद्भुत काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गे की, माँ दुर्गे की। तो फ्रेंड्स, सर ने बहुत अच्छी स्पीच आपको दे दी है, आई होप आप लोगों को सर की स्पीच अच्छी लगी होगी। और अभी जाने वाले हैं बंधुओं, देख लीजिए अपना स्वेटर लेके आई है, ठंडी स्टार्ट नहीं हुई, स्वेटर बिन रही है बैठ के। मम्मी दिखा दो स्वेटर, जरा देख लो भैया, यूट्यूबर की मम्मी स्वेटर भी बिन लेती हैं। किसके लिए बना रही हो, छोटे बच्चे के लिए? ये देखिए, मैं वीडियो पर आने में बिजी हूँ, अपना काम वाम कर लो, तब तक हम अपना काम कर रहे हैं। चेयर हमें मिल गई है, मस्त सा बैठ के अपना स्वेटर बिनेंगे। तो चलिए आप लोगों को हम थोड़ा और दिखा देते हैं, इनको स्वेटर भी ले देते हैं। अभी हम आप लोगों को थोड़ा यहाँ का फूड कोर्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ पे चारों तरफ फूड कोर्ट लगा है, खाना पीना तो यहाँ बढ़िया बढ़िया लगा है, बट आप लोगों को पता है मेरा तो नवरात्रि के व्रत पूरे रहते हैं, तो मैं तो कुछ भी यहाँ पे बढ़िया बढ़िया खा नहीं पाती हूँ। बट जिनका व्रत नहीं है ना, वो यहाँ पे आके बहुत अच्छे से खा पी रही है। तो सर भी खा रहे, मैम भी खा रहे, बच्चे यहाँ पे फुल्ली एंजॉय कर रहे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक है और यहाँ पे भी देखिए खाने की चीजें हैं। यहाँ पे मीठा, यहाँ पे आप लोगों को रसगुल्ला, ये सब चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल तो मेरा व्रत है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो आप लोग आइएगा, आप लोग फुल्ली एंजॉय करिएगा। और भी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, अभी आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पूरी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर रही है। यहाँ भी फूड कोर्ट की दुकानें थोड़ी सी कम लगी हुई है, बट हाँ अभी धीरे धीरे ये दुकानें बढ़ेंगी। आज फर्स्ट डे है तो एक दो दिन के बाद यहाँ पे दुकानें बहुत सारी लग जाएंगी और व्यवस्था तो यहाँ की अच्छी है ही। तो आप लोग अभी अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ आइएगा। इसका मैंने आप लोगों को लोकेशन नहीं बताया था, तो इंजीनियरिंग चौराहे पे सेक्टर एफ जानकीपुरम में ये प्रेम वृंदावन के प्रेम मंदिर की थीम पे ये मंदिर बना हुआ है, दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है जो प्रेम मंदिर की थीम पे। तो ये सब यहाँ पे स्टॉल्स लग रहे हैं, अभी आने वाले कल परसों में यहाँ पे पक्का ये सब लग जाएंगे। आज नहीं है यहाँ पे कुछ भी क्योंकि फर्स्ट डे, मैंने आप लोगों को बताया। और डेकोरेशन तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को सारा अपडेट दे दिया है यहाँ का कैसा क्या हुआ। तो आप लोग यहाँ पे आइएगा, आप लोग अपनी फैमिली के साथ आइएगा, फुल्ली एंजॉय करके जाइएगा। खाने पीने का स्टॉल कल परसों में लगी जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इसी ब्लॉग को एंड करते हैं अपनी मम्मी के साथ। तो क्या बोलो मम्मी, बोलो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिएगा। और हैप्पी नवरात्रि हम दोनों की तरफ से।